हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और आज आपको बता दूं, आज डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अवकलन का जो विशेष कंडीशन होता है, विशेष स्थितियाँ हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं वो हम आज करने वाले हैं। और आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि आज के क्लास में जिस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपके एग्जाम में 100% उसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि हम जितना भी अवकलन करते हैं एक तरह से उसका कंक्लूजन है, इस तरह से उसका एक लास्ट फॉर्म है जिसके हेल्प से हम उसको समझते हैं। तो कैलकुलस का बेसिक, कैलकुलस बेसिक डिफरेंशिएशन का ये लास्ट क्लास है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद फिर हम इसके नए पैटर्न पर जाएंगे, इसके एप्लीकेशंस पर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले स्पेशल पैटर्न ऑफ द डिफरेंशिएशन, जिसमें मैं आपको एक एक पैटर्न को बताते जा रहा हूँ और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक दो दो आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। इस पैटर्न की खासियत यह है कि आप एक क्वेश्चन को अच्छा से कर लेते हैं तो उस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो पहला पैटर्न है वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई रूट ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो अभी क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिलेगा उसमें रूट के अंदर में जो फंक्शन होगा उसका सेकंड पार्ट जो होगा फिर y के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से ही होता है, अभी आप क्वेश्चन से समझ पाओगे कि पैटर्न किस तरह से। देखो तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसको समझाने के लिए, रूट ऑफ कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इसका पैटर्न है। एक क्वेश्चन बनाने के बाद सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ये खास बात है इसमें। अब यहाँ पर देखो, दैट इम्प्लाइज, अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक कास एक्स को आप छोड़ दो तो प्लस आगे जो आप देख रहे हो वो कहीं से भी उसको वाई लिखा जा सकता है, यहाँ से इसको हम वाई लिख सकते हैं, यही इसका पैटर्न है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। मैंने पहला जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है और आगे फिर वो वाई के इक्वल होता है। तो ये देखो, फिर हम ये वाई के इक्वल इतना है, मतलब चूँकि अनंत तक श्रेणी है तो कहीं से भी उसको वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर। इतना लिखने के बाद दैट इम्प्लाइज इसका पैटर्न है, दोनों साइड का होल स्क्वेयरिंग करते हैं ताकि इसका रूट हट जाए। तो दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर ये हो गया वाई स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस वाई। जैसे ही रूट हटेगा तो अब हमको क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। आसान है, बस पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट तो हमको ध्यान में रखना है। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन करें तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर से, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर ट्रांसफ़र करेंगे और dy वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स को हम इधर से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, और अंडर ब्रैकेट यहाँ से बचेगा 2y और ये माइनस वन, ये हो गया 2y वाई माइनस वन, दैट इक्वल ये है माइनस साइन x। दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो 2y dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस वन, यही इसका आंसर है, इस फॉर्म में आंसर इसका आएगा। इसका एक खास बात यह है इस पैटर्न का कि हर क्वेश्चन के आंसर में 2y माइनस वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये y स्क्वायर आएगा और ये कंडीशन बनेगा हर क्वेश्चन। तो आसान है लेकिन चूंकि स्पेशल पैटर्न का है इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन मैं और इस पर बता देता हूँ।
सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और आपको करने का जरूरत भी नहीं, इसमें सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, हर क्वेश्चन टोटल, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर साइन कास की जगह साइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, लाग हो जाएगा, जो भी हो, पहले फंक्शन को छोड़ के वाई लिखना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हो जाएगा बहुत आसान। इसमें और क्वेश्चन करने की जरूरत है, बस एक एक पैटर्न को आप करते जाना। तो नेक्स्ट पैटर्न में अपन चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको दसों क्वेश्चन में बताऊं, सब एक दूसरे का कॉपी रहेगा। इसमें देखो ये जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बजाय पैटर्न को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। चाहे उसमें आप एक क्वेश्चन करो चाहे दस क्वेश्चन करो, आपका कमांड उतना ही होगा, याद रखना है पैटर्न ओनली, ठीक है। तो पैटर्न वाइज मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट पैटर्न है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेन टू पावर वाई, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टू दी पावर y। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x बेस में रहेगा और ये जो फंक्शन ऑफ x है उसके पावर में यही रहेगा जो कि हमारे पूरा फंक्शन का वैल्यू है। इस पैटर्न में क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखो तो इसका क्वेश्चन देखो, आप एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पर, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू पावर इन्फिनिटी वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से रहेगा। तो देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स के पावर में ये वाई है, क्योंकि हम एक एक्स को छोड़ दें यहाँ से, इस बेस को छोड़ दें, तो यहाँ से पूरे को हम फिर y लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू तो वही है, माने y वहाँ पर रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी के जाते तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू x टू दी पावर y। अब चूंकि यहाँ से y के पावर को हटाना है, सामने लाना है, अभी रूट था तो हमने होल स्क्वायर किया, बस यही आपको समझना है कि कहाँ क्या करना है। यहाँ x के पावर को हटाना है तो क्या करेंगे, लाग लेंगे, तो टेकिंग लाग, ठीक है। लाग लेने पर दोनों साइड के यदि हम लाग ले लें तो क्या हो जाएगा, लाग y इक्वल टू लाग, ये सामने y को सामने लिख दिया, ऐसा हो जाएगा, पावर सामने आ जाता है। अब नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हम क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ लाग y इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लाग x, ये हो गया। अब इसका अवकलन कैसे होगा, दैट इम्प्लाइज लाग y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लाग एक्स। वैसे सब डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, और प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, लाग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। दैट इम्प्लाइज यहाँ देखो 1 अपॉन वाई और वहाँ से dy वाई बाई डी एक्स इधर अपन कॉमन कर लें, तो उसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूं और यहाँ कॉमन कर लूं dy वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन वाई और ये इधर आके बचेगा log x और इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ये log x का 1 अपॉन एक्स, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y अपॉन एक्स, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, y अपॉन एक्स और ये आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस लाग एक्स, डिवाइड कर दिए, नीचे जाके डिवाइड कर दिए, या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं या इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें ये आंसर किस फॉर्म में लिखा है, हम भी वैसे लिख दें, एलसीएम लेके लिखा है वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस लाग एक्स, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, या क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर का कुछ चक्कर नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर y लघुत्तम आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो y स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वाई लाग x, इसको हम आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस वाई लाग x। तो ये भी आसान है, देखो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को आपको समझना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे y लिखते हैं, तो एक पैटर्न का एक क्वेश्चन करना सफिशियंट है। वैसे इसमें मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि एक स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं एक और बता दूँ, इसमें दो तरह का, दो क्वेश्चन से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर। चलें आगे, फिर ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है करके मैंने इसको
सोचा कि ये क्वेश्चन और बताया जाए इसमें आपको, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e, सबके पावर में ये x प्लस e, इसके पावर में x प्लस e, फिर इसके पावर में x प्लस e अप टू इन्फिनिटी, और इसमें अपने को सिद्ध करना है, प्रूफ दैट dy बाई dx इक्वल टू, प्रूफ दैट dy by dx इक्वल y अपॉन वन माइनस वाई, y अपॉन वन माइनस वाई, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन तो और आसान होता है क्योंकि हमको पता है इसमें लाना क्या है, तो dy by dx इक्वल टू y अपॉन वन माइनस वाई, ये हमको प्रूफ करना है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आगे हम लिखें तो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू e टू द पावर, अब देखो e टू द पावर x तो रहेगा ही है, e टू द पावर x, और यहां से e टू द पावर हो रहा है क्योंकि हमको e टू द पावर के फॉर्म में हम y लिख सकते हैं, तो ये प्लस e के साथ, इसको ध्यान रखना है यहां पर, ये इसमें एक नई बात है, क्या है देखो ध्यान से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन y है वो e के पावर से स्टार्ट होता है, तो हम आगे लिखना चाहें तो e के पावर से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ के, इस x को छोड़ के, तो x के बाद जो पूरा पावर देख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाग लेंगे, टेकिंग लाग, तो लाग लेने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पावर सामने आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई और लाग e, लाग e का वैल्यू कितना होता है, 1, नेपेरियन लाग में उसका बेस e है तो लाग e टू द बेस e 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सॉरी अभी लाग लिए हैं ना अपन, डिफ्रेंशिएट नहीं किए, लाग लिए हैं, तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज लाग y इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि लाग e 1 होता है, यहाँ पर ध्यान रखना लाग e टू द बेस e, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होता, इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आगे तो आसान है, इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज़ मेरा डिफ्रेंसिएशन समझाना नहीं है, बस ये बताना है कि ये पहला स्टेप को हम कैसे लिखते हैं, इसको ये स्टेप लिख लिया तो आगे कुछ नहीं है। नाउ डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज यहाँ से dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 1, वाई को एलसीएम लेके ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा y 1 माइनस वाई, और यही हमको प्रूफ करना था y अपॉन 1 माइनस वाई। तो देखो बहुत आसान है ये स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन है, पैटर्न यदि आपको तो याद है कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये लेंदी नहीं बनते, बहुत छोटे बनते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसी पैटर्न के क्वेश्चन प्रूफ करने वाले आते हैं, अपन एक एक करके सभी पैटर्न को टच कर रहे हैं कि जितना हम इसमें पैटर्न बनता है, ठीक है। स्पेशली इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया था कि इसके बाद वाला जो मैं डिफ्रेंशिएशन का पार्ट लाऊंगा वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन होंगे, कई राइटर लोग इसको हार्डर डिफ्रेंशिएशन, कठिन अवकलन के नाम से भी लिखते हैं, विशेष प्रकार के अवकलन के भी नाम से लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस पर अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखें अपन, वो है एक पैटर्न है जिसमें फिक्स पैटर्न नहीं है लेकिन प्रूफ वाले करने वाले क्वेश्चन कुछ उलझा के दिया जाता है और वहाँ से हमको एडजस्टमेंट और सेटिंग के द्वारा उसको सॉल्व करना होता है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ प्रूफ करने वाले, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट होंगे, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे ही गए होंगे हमेशा, ठीक है, स्टेट बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको ले लूँ पहले, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ
वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, ये इक्वल टू वन गिवन है और प्रूफ करना है अपने को dy by dx प्लस प्रूफ करना है dy by dx प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बात प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। तो अपन क्वेश्चन को लेते हैं, सबसे पहले देखो सिंस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। मैंने पहले आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, यदि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, यदि आप मेरे सभी वीडियो प्रॉपर देख रहे होंगे वन बाई वन, तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, जब मैं त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन बताया, तो मैं एक आध दो क्वेश्चन को बिना प्रतिस्थापन के और त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करके तुलनात्मक बताया था, ताकि आपको क्लियर हो कि प्रतिस्थापन कितना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखो, बिना प्रतिस्थापन के भी इसको कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और पैटर्न क्या कहता है कि हमको इसके जगह में x और y के जगह में या तो साइन थीटा या तो कास थीटा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा वो रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने सपोज पुट कर लिया, नाउ पुट x इक्वल टू साइन फाई या थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं साइन थीटा, और y को अलग सपोज करना पड़ेगा, तो इसको लिख लिया हमने साइन फाई। इतनी बात आ गई समझ में आपको? तो हमने x और y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन का काम हम बाद में करेंगे। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये y, तो y मतलब हो गया साइन फाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस एक्स का वैल्यू ये साइन थीटा, और इंटू रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाई, वाई है तो साइन स्क्वायर फाई दैट इक्वल टू वन, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? दैट इम्प्लाइज आगे इसको ट्रिग्नोमेट्री से हम सॉल्व करें तो साइन फाई इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होके साइन स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा, और प्लस ये साइन थीटा, और इंटू ये हो जाएगा सॉरी कॉस कॉस थीटा ना, साइन कॉस बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा फाई इक्वल टू वन। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर देखो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, क्लियर? ये फाई इसके साथ है और ये इसके साथ है थीटा, तो किसका फार्मूला है ये? ये फार्मूला है साइन थीटा प्लस फाई, या फाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? वन हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू इतना। अब यहाँ से साइन को हटाना है, तो ये वन को भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या होता है? वन होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन क्या है? इन्वर्स लेने से हट जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आए। एक आध और बताऊंगा भी इसमें पैटर्न का क्वेश्चन, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साइन दोनों तरफ से हट गया, तो हो जाएगा थीटा प्लस फाई इक्वल टू इधर बचेगा पाई बाई टू। दैट इम्प्लाइज अब देखो थीटा प्लस फाई, अब थीटा और फाई के वैल्यू को हम यहाँ से पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखो, चूंकि यहाँ पर हमने x इक्वल टू साइन थीटा सपोज किया है, तो देयर फोर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा इसका वैल्यू, और फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट अप कर दें, तो ये थीटा के जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x, और प्लस फाई के जगह में लिख सकते हैं क्या हम? साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है? तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में यदि अवकलन किया जाए, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई
इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, और चूंकि इसको हमने x के साथ कर दिया तो चैन रूल से ये dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर, अब हमको प्रूफ करना है क्या, देखो इतना तो dy वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट क्या है यहाँ पर, ये है, तो पूरे इक्वेशन में रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि पूरे इक्वेशन में इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ एक साथ रूट में आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यही हमको प्रूफ करना था। ये अगल बगल है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रूफ हो गया। तो ये जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको टारगेट लेके वर्क करना है। कुल मिला के आप जितना डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो वो सब चैन रूल, सब्सटीट्यूशन, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखो सब्सटीट्यूशन का यूज़ हो रहा है, चैन रूल का यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पर इन्वर्स का आप डिफ्रेंशिएशन कर पाते हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाता होगा ये। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये स्पेशल पैटर्न है जिसमें हमको क्वेश्चन को प्रूफ करना है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, आप मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मेरा सजेशन है आपको कि आप और क्वेश्चन अपने टेस्ट बुक से सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चन बना उतना अच्छा है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन वाई, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। वाई इक्वल टू एक्स साइन वाई, एक्स इंटू साइन वाई, एक्स इंटू साइन वाई, और हमको इसमें प्रूफ करना है dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपन, एडजस्टमेंट करना पड़ता है कई क्वेश्चन में, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई अपन एक्स, वाई अपन एक्स अंडर ब्रैकेट वन माइनस कास वाई, एक्स इंटू कास वाई, वन माइनस एक्स इंटू कास वाई, ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करना है देख लीजिए, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा क्वेश्चन लेना है, सॉल्व करना है। सिंस y इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई, नाउ डिफ्रेंशिएट, अब सीधा इसका अवकलन करें और तो कुछ करना नहीं है, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस ये साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। That implies ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कास वाई, और y का अगेन होगा तो dy वाई बाई डी एक्स, और प्लस ये हो गया साइन वाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1। क्लियर, अब डिफ्रेंशिएट हो गया तो इसको सेपरेट करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स को कॉमन किया तो यहाँ से 1, और माइनस यहाँ से हो जाएगा x कास वाई, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, मैं तो थोड़ा अच्छा होगा सोच रहा था, इसको आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार करके सेलेक्ट किया, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया, देखो इसको इधर ट्रांसफर करो तो प्रूफ हो जाएगा, ये y अपान प्रूफ करना है ना, y अपान वन माइनस कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंस, ठीक तो है, तो फर्स्ट फंक्शन इसका कास वाई डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई वन, ठीक है, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर किया, वन माइनस एक्स कास वाई इक्वल टू साइन वाई, अच्छा आगे सब उसको एडजस्टमेंट, ठीक ठीक ठीक, आगे एडजस्टमेंट करना है, इस यही इस क्वेश्चन का खास बात है, ये लाने के लिए हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा, चलो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई, मैं सोच रहा था प्रूफ हुआ कैसे नहीं, वन माइनस एक्स कास वाई, तो ये हमको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ में देखो वन अपान एक्स कास, तो यहाँ वाई अपान एक्स, तो ये क्वेश्चन में चले आओ, और क्वेश्चन में जो साइन वाई का वैल्यू है, ठीक है, क्वेश्चन से यदि हम साइन वाई का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपान एक्स,
इस साइन वाई के वैल्यू को वहाँ पर हम पुट अप करते हैं तो यह हो जाएगा देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई का वैल्यू वाई अपान एक्स, तो यह हो गया वाई अपान एक्स वन माइनस एक्स कॉस वाई। थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, यह प्रूफ हो गया वाई अपान एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। तो यहाँ से यह प्रूफ हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से प्रूफ हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है और ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। अब इसी पैटर्न पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज है और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कई बोर्ड में तो ये क्वेश्चन 5-5, 6-6 बार आया हुआ है, कंटिन्यूस आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के सब क्वेश्चन करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट, मुझे मालूम है। और दूसरा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, इनके कारण, इनके हेल्प से आप और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो इस फॉर्म में है, पैटर्न इसी तरह का है लगभग, लेकिन प्रूफ अच्छा है इसमें। रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसी क्वेश्चन अभी एक मैं बताया हूँ लेकिन ये थोड़ा अलग है, इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ए अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है और प्रूफ जो हमको करना है, ठीक है। नाउ प्रूफ, क्या प्रूफ करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, वो ऊपर गिवन है तो इसको देख के ही आप समझ गए होंगे, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सिंस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट अप करते हैं, क्या नाउ पुट एक्स इक्वल टू, वही पुट करो साइन थीटा और वाई इक्वल टू साइन फाई, एक्स इक्वल टू साइन थीटा वाई इक्वल टू साइन फाई, ये हम पुट कर दिए तो देयर फॉर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ वन माइनस फाई इक्वल टू ए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई, क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा ये। दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस ये हो जाएगा कॉस फाई इक्वल टू ए इंटू ये है साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचुरली आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से कि इसमें लगाना पड़ेगा हमको क्या, सी डी फार्मूला। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, कास में कास कास होता है ना, कास सी माइनस डी बाई टू दैट इक्वल ए साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन होता है साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक हमने इसमें सी डी फॉर्म लगा दिया, यही इस क्वेश्चन की खास बात है, ये स्टेप। और इसमें ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाले टू के साथ, और कास थीटा प्लस फाइव बाई टू कास थीटा प्लस फाइव बाई टू के साथ में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा कास थीटा माइनस फाइव बाई टू और इंटू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो दैट इम्प्लाइज कास अपान साइन क्या बन जाएगा, काट, तो काट थीटा माइनस फाइव बाई टू और इधर बच जाएगा क्या, ए, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से यदि थीटा माइनस फाइव बाई टू मेरे को चाहिए तो कास को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो उसका इन्वर्स बन जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, ये हो जाएगा, टू को भी उधर ट्रांसफर कर दें, दैट इम्प्लाइज थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू
cot inverse a। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें अपन, तो क्या होगा, देखो नाउ डिफ्रेंशिएट, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, नाउ डिफ्रेंशिएट सापेक्ष भी बता दो विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पर यदि हम इसका अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d थीटा बाई डी एक्स माइनस डी फाइव बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू cot इनवर्स a, दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो जो हमने सपोज किया है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू के यदि हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो d बाई डी एक्स ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाई का वैल्यू साइन इनवर्स y, ये हो गया साइन इनवर्स y और इक्वल टू ये क्या होगा, ये जीरो होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि cot इनवर्स a एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का किसी भी नियतांक का जो अवकलन है क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो गया, दैट इम्प्लाइज आगे सॉल्व करें तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स y का हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई का अगेन होगा क्योंकि सापेक्ष x है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज ये माइनस है, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, तो रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज इसको भी उधर ट्रांसफर कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स एक साथ रूट में लिख देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार बहुत से बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि मैं इधर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है सबके क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व मेरे पास हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत से बोर्ड में कई बार पूछा गया है और पैटर्न और कॉन्सेप्ट अच्छा भी है क्वेश्चन का, तो ये आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करो। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या सपोज करना है, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि सी डी फार्मूला जो यहाँ पर लगता है वो, इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका डिफरेंशिएशन जब होता है तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन, तो ये जो तीन क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए वो स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट करके उसको प्रूफ करना होता है, ये डिफरेंशिएट करने के बाद इसको प्रूफ करने को क्वेश्चन में खुद दिया रहता है, क्लियर। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस डिफरेंशिएशन का लास्ट कॉन्सेप्ट और वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है, प्राचलिक फलन के अवकलन, पैरामीट्रिक फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, चलें स्टार्ट करें फिर अपन। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, तो आप लोग को कोर्स की चिंता होती है मैथमेटिक्स के, मुझे मालूम है, नेचुरली आप बोर्ड ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और मंथ को देख के, लेकिन आप चिंता मत करो, कैलकुलस मेजर पोर्शन है हमारा, कैलकुलस फटाफट हो जाए, इसके डिफरेंशिएशन के बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोर्स बहुत आसानी से तेज़ी से कंप्लीट करूँगा मैं, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बस जो मैं पढ़ा चुका उसका प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, ठीक है, बाकी आप चिंता मत करिए। प्राचलिक रूप के अवकलन, पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप, ठीक है, प्राचलिक रूप इंग्लिश में अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचलिक रूप। ये होता क्या है कि हमको दो रिलेशन दिया रहेगा, दोनों अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म में होंगे
और उसके हेल्प से अपने को कुछ प्रूफ करना होगा। एक क्वेश्चन से बताऊं तो आप समझ पाओगे उसको। जैसे एक इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं पहले इसको समझाने के लिए, x इक्वल टू a cos थीटा। एक क्वेश्चन मैंने लिया x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। y इक्वल टू a sin थीटा देन फाइंड dy by dx। ये देखो x इक्वल टू a cos थीटा है और y इक्वल टू a sin थीटा है, तो हमको dy by dx फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये x है लेकिन इसके साथ जो डिफ्रेंशिएट होना है उसमें वेरिएबल थीटा है। यहाँ पर y है, जो डिफ्रेंशिएट होना है उसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो हम सबसे पहले ये ले लें, सिंस x इक्वल टू a cos थीटा देयरफॉर dx by d थीटा। यहाँ से क्या करो, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है और थीटा के फॉर्म में इसका हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। और उसी तरह से यहाँ पर देखो, चूंकि ये दिया हुआ है, आसान है, बस समझना है, dy by d थीटा इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। सपोज ये रिलेशन फर्स्ट है, ये रिलेशन सेकंड है। अब हमको चाहिए dy by dx, ये हमको फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें इसको हम डिवाइड कर दें किसमें, सेकंड में, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करें तो हो जाएगा dy by d थीटा अपॉन, ये हो जाएगा dx by d थीटा। क्लियर। दैट इक्वल सेकंड क्या है अपने पास, a cos थीटा, और फर्स्ट क्या है अपने पास, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। दैट इंप्लाइज यहाँ से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस काट थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप, मतलब दो रिलेशन दिया रहेगा, दोनों को अलग अलग रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और उसको थर्ड फॉर्म में लाना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, जैसे थीटा है, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं यहीं पर, तो दूसरा वेरिएबल के फॉर्म में जैसे क्वेश्चन लिया मैं x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, यहीं पर एक क्वेश्चन ले लिया मैं x इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, यहीं पर दोनों को कर देता हूं अगल बगल में, आसान है, समझ गए होंगे। और y इक्वल टू 280, y इक्वल टू 280, और अपने को फाइंड करना है dy by dx, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, अब आसान है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dx by dt, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 280 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं dy by dt। बस ध्यान रखना कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल थीटा था, यहाँ t के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल t है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2a, देयरफॉर अब इसमें इसको डिवाइड कर दें, तो dy by dx मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें इसको डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 2a अपॉन 280, दैट इक्वल 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म, 1/t आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन ऐसे आप बना सकते हैं, ये माइनस काट थीटा पहला आंसर। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है, पैरामीट्रिक फॉर्म ही है लेकिन उसका रूप अलग है, वो है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँ आपको, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना, ये क्या होता है, देखो दो फंक्शन रहेंगे और फंक्शन को फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरह से होगा, देखो ये क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए पहले, e^10x का, ठीक है, e^10x का अवकलन, e^10x का अवकलन साइन x के सापेक्ष। सुन के अजीब लगता है क्वेश्चन कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है,
हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसका, इसका डिफ्रेंशिएट करना है और ये उसका रेस्पेक्ट है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, देखो, लेट माना कि y1 वन इक्वल टू ई टू दी पावर 10x और y2 टू इक्वल टू साइन एक्स, ये हमने मान लिया। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो देन फाइंड क्या करना है फिर अपने को, डी वाई वन बाई डी वाई टू, ये हमको फाइंड करना है। बात क्लियर है, क्योंकि ये y1 है ये y2 है और इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब यही तो फाइंड करना है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ही तो हुआ, दोनों क्वेश्चन को ले लेते हैं और हम उसको उसके जो भी फॉर्म उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सिंस हमने सपोज किया है y1 इक्वल टू e टू दी पावर 10x, ठीक है, क्वेश्चन ही है y इक्वल टू e टू दी पावर 10x, ठीक। अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy1 वाई वन बाई डी एक्स, ये e टू दी पावर x के फॉर्म में, तो e टू दी पावर 10x होगा और 10x का चैन रूल से दोबारा होगा तो sec स्क्वायर x, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर। अब इसी तरह से चूंकि हमको पता है, चूंकि y2 टू इक्वल टू साइन एक्स, तो हो जाएगा dy2 वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos x, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब हमको dy1 वाई वन बाई डी वाई टू चाहिए, तो फर्स्ट में सेकंड को क्या करो, डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो dy1 वाई वन बाई डी एक्स अपॉन डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं तो ये फर्स्ट है, e टू दी पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन क्या है ये cos x, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो हो जाएगा dy1 वाई वन बाई डी वाई टू और 1 अपॉन cos को sec लिख सकते हैं, तो हो जाएगा e टू दी पावर 10x, ये sec ऊपर जाकर हो जाएगा sec क्यूब x, ये इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर 10x इंटू sec क्यूब x, e टू पावर 10x इंटू sec क्यूब x, या इसको नीचे cos बना दें तो अपन cos क्यूब x जैसा भी लिख सकते हैं। तो ये है ये पैटर्न जिसमें आप समझ गए होंगे कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एक फंक्शन को y मान लो, दूसरे को y2 लो, y1 से dy1 बाई dx निकाल लो, y2 से dy2 बाई dx निकाल लो और फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दो, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में। तो आज के क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि डिफ्रेंशिएशन का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमने पूरा उसका जो डिफ़िकल्ट फॉर्म होता है सबका डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ हमारा बेसिक डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में ला के सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप इंतज़ार करिए किसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू।